5 years, welcome to Myna Style Corner. लंबे घने मोटा बालों के लिए एक अच्छी से नेचुरल होम रेमेडी लेकर आई हूँ आप सबके सामने। ये होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए प्याज। प्याज में जो हुआ विटामिन सी, B6, फोलेट, आयरन और पोटेशियम आपके बालों की पोषण देने में बहुत ही मदद करती है। और वैसा भी प्याज आपकी डेली डाइट में लेने से कोल्ड और फ्लू डिसीजेस को दूर करने में बहुत ही मदद करती है। प्याज में है एलिसिन। एलिसिन आपके बालों की पोषण देने में और आपके बालों की ग्रोथ करने में बहुत ही यूजफुल है। हमें इसमें लेना है प्याज। प्याज को काट करके ब्लेंड करना चाहिए। ब्लेंड करके प्याज का रस निकालना चाहिए। अभी मैंने प्याज को ब्लेंड किया था, इसको फिल्टर करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्याज आपकी सिर पर जो हुआ डैंड्रफ को हटाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। प्याज रस में विटामिन सी और B6 भी है आपकी बालों की पोषण देने में, लंबे मोटे करने के लिए और आपकी कलर एनहेंसिंग करने के लिए भी ये प्याज का रस बहुत ही उपयोग है। प्याज का रस को ऐसा फिल्टर करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी डाइट भी लेना चाहिए। हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स लेना चाहिए। प्याज में जो हुआ एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आपकी बालों में जो हुआ इन्फेक्शंस को दूर करती है और आपकी बालों की ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में बहुत ही मदद करते हैं। ऐसा प्याज के रस को निकालने के बाद इसमें अंडा डालना चाहिए। इसमें हमें यूज़ करना है अंडा। अंडा में जो हुआ प्रोटीन्स आपकी बालों की पोषण देने में बहुत ही यूजफुल है और ऐसे भी आपकी बालों की सिल्की स्मूथ करने के लिए ये अंडा बहुत ही यूजफुल है और आपके बालों की कंडीशनर जैसे काम करते हैं। इसमें हमें एक अंडा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें मैंने यूज़ किया था प्याज का रस और अंडा, ये दोनों की अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही मदद करती है। वैसा भी आपकी डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने के लिए, हेयर फॉल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। महिलाओं की हार्मोनल इम्बैलेंस वजह से भी हेयर फॉल होती है, उसको भी ये होम रेमेडी बहुत ही यूजफुल है। ऐसे ही दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से मिलाना है। ये नेचुरल कंडीशनर जैसे भी काम करती है, आपकी बालों की स्मूथ और सिल्क करने में बहुत ही यूजफुल है। आप इसके साथ रेगुलर डाइट में प्रोटीन्स और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको आपकी स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट तक मसाज कीजिए सर्कुलर मोशंस में। ऐसा करने से इसमें जो हुआ प्रोटीन्स आपके स्कैल्प की अंदर तक जाके अंदर से पोषण देते हैं और आपकी सिल्की ग्लोइंग ब्लैक हेयर मिलती है। ऐसा हफ्ते में 2-3 बार करें तो आपकी अच्छे से लंबा मोटा काला बाल मिलती है। फ्रेंड्स, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।